हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे, अगर आपके ब्लाउज का बैक नेक 10 से 13 इंच है तो दोस्तों आर्म लेंथ और शोल्डर की कटिंग किस तरीके से करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज में। और दोस्तों हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते टाइम दोस्तों अक्सर लोग गलती करते थे छोटी सी, वो क्या गलती है सारा कुछ दोस्तों हमने वीडियो में आपको सिखा रखा है। वीडियो में ही पता चलेगा क्या गलती कर देते हैं लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते टाइम। अगर हमारी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे और आपको गलती का भी पता चल जाएगा क्या गलती कर देते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ब्लाउज का नाप समझाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। नॉर्मल दोस्तों जैसे ब्लाउज का नाप लेते हैं उसी तरीके दोस्तों आपको ब्लाउज का नाप लेना है, ठीक है। जैसे इस ब्लाउज की लंबाई हमारी है जो वो है दोस्तों 14 इंच, चेस्ट दोस्तों हमारी है 35 और 36 इंच, आपका दोस्तों कोई सा भी साइज हो सकता है 35 और 36 में से, ठीक है। कमर हमारी 30 इंच है, शोल्डर दोस्तों हमारा 13.5 इंच है, फ्रंट नेक 7 इंच है, बैक नेक 10 11 12 13 इंच, ठीक है। 10 11 12 13 इंच आपका दोस्तों कोई सा भी बैक नेक हो सकता है। बाजू की लंबाई दोस्तों हमारी है 5 इंच, बाजू की मोहरी 11 इंच, बाजू बाइसेप्स दोस्तों हमने बॉडी का लिया है 11 इंच, 2 इंच की लूजिंग दी है तो दोस्तों हमारा जो 13 इंच बनेगा लेकिन हाफ में दोस्तों हमारा 6.5 इंच है। प्लेट लेंथ दोस्तों हमारी जो रहेगी वो 9.5 इंच रहेगी बॉडी का नाप लेने के बाद। 35 और 36 इंच दोस्तों हमारी तैयार है। अब तैयार किस तरीके से चेस्ट वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने नॉर्मल जो बॉडी का नाप लेते हैं उसी तरीके से दोस्तों आपको लेना है। पहले में दोस्तों मैंने ले रखा 34 इंच बॉडी का नाप, 1 इंच लूजिंग दी है तो 35 इंच चेस्ट हमारी तैयार आ गई है। अब दूसरे में दोस्तों जो हमने बॉडी का नाप लिया है 35 इंच लिया है, ठीक है, बॉडी का नाप 35 इंच लिया है, 1 इंच दोस्तों हमने चेस्ट में लूजिंग दी है, 36 इंच हमारा तैयार नाप आ गया। ये दोस्तों 35 और 36 हमारे तैयार है लूजिंग देने के बाद। अब लूजिंग किस तरीके से देते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। लूजिंग दोस्तों बैक गले के अनुसार देते हैं 1 इंच की। जैसे हमारा बैक नेक जो है दोस्तों वो हमारा है 10 11 12 13 इंच, ठीक है, 10 11 12 13 इंच है तो दोस्तों हमने जो चेस्ट में लूजिंग दी है 1 इंच की दी है। जैसे हमने बॉडी का नाप लिया था 34 इंच, 1 इंच की लूजिंग दी है तो 35 इंच हमारा तैयार आया है। लूजिंग दोस्तों हम बैक गले के अनुसार ही देते हैं, आपका कोई सा भी बॉडी का नाप हो लेकिन आपको चेस्ट में 1 इंच ही लूजिंग देनी है अगर आपका बैक नेक 10 11 12 13 इंच है तब, ठीक है। ये हमने आपको नाप समझा दिया है। अगर आपको नाप लेना नहीं आता है बॉडी का तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। अब इसी नाप से दोस्तों आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाते हैं। नॉर्मली दोस्तों हमने ये ब्लाउज अस्तर जो है हमारा वो बिछा रखा है, ठीक है, प्रेस वगैरह लगाकर हमने फिनिशिंग से ये बिछा रखा है। अब दोस्तों ओपन साइड मैंने आपकी तरफ बिछा रखा है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ बिछा रखा है, क्योंकि दोस्तों ये बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग करना आपको सिखाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की। अब इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको स्केल लेना है सबसे पहले। अब स्केल की मदद से दोस्तों आपको नीचे तुरपाई के मार्जिन का फोल्ड का निशान लगाना है। जो हमारी नीचे लंबाई में तुरपाई के फोल्ड का निशान लगता है वो मार्जिन रहता है, उसका निशान लगाएंगे। ये दोस्तों जो मार्जिन रखते हैं वो रखते हैं हम 1.5 इंच चौड़ा, ठीक है, 1.5 इंच हम मार्जिन रखते हैं नीचे तुरपाई के फोल्ड का। इस तरीके से दोस्तों हमारा लंबाई निशान लग जाएगा। अब दोस्तों आपको लंबाई का निशान लगाना है। जैसे सबसे पहले आपको नाप में देखनी है लंबाई, ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल 14 इंच लंबाई है आपकी कोई सी भी हो सकती है। अब जैसे हमारी 14 इंच है तो 14 इंच में दोस्तों हम प्लस करेंगे 1 इंच तो टोटल दोस्तों जो हमारी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 15 इंच। आपका दोस्तों कोई सा भी नाप हो सकता है लंबाई का लेकिन आपको 1 इंच ही प्लस करना है। जैसे इंची टेप की मदद से हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमारी लंबाई थी 14 इंच, 1 इंच हमने प्लस करा है, 15 इंच हमारी हो गई है। अब इंची टेप दोस्तों हम निशान पर रखेंगे 15 इंच, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको निशान पे 15 इंच रखना है, लंबाई का निशान लगा देंगे। अब दूसरा निशान जो दोस्तों लगेगा वो आर्म लेंथ का लगेगा, ठीक है। 35 और 36 चेस्ट में दोस्तों हम आर्म लेंथ का निशान लगाएंगे 6 या 6.25 इंच, ठीक है, 6 या 6.25 इंच आप निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको 35 और 36 चेस्ट में दोस्तों आपको निशान लगाना है आर्म लेंथ का, 6 या 6.25 इंच लगा सकते हैं। दूसरा निशान दोस्तों हमारी डॉट का लगेगा। डॉट दोस्तों जो हमारी है वो 9.5 इंच है, आधा इंच हम प्लस करेंगे 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच दोस्तों हमारा कंधे में दबाव में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा ये। अब आगे इंची टेप बढ़ाएंगे और जो हमने पहले निशान लगाए थे वो इस तरीके से आपको लगा देने। ये दोस्तों हम सारे निशान सीधा कर देंगे छोटे स्केल की मदद से। ये सारे निशान दोस्तों आपको एक जैसे ही सीधे करने हैं, आपके आड़े टेढ़े निशान सीधे ना हों। ये दोस्तों हमारे निशान लग गए, ये डॉट का निशान लग गया, ये आर्म लेंथ का निशान लग गया, ये शोल्डर का निशान लग गया। अब डॉट लेंथ में दोस्तों हमारी प्लेट की दूरी का निशान लगता है, वो कैसे लगता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 35 और 36 चेस्ट के हिसाब से दोस्तों प्लेट की दूरी का निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे दोस्तों हम 4.25 इंच पे। यहाँ से दोस्तों हमारा बंद है तो बराबर से ही इंची टेप रखेंगे 4.25 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से 4.25 इंच पे हम प्लेट की दूरी का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और नीचे भी दोस्तों हमें 4.25 इंच पे ही प्लेट की दूरी का निशान लगा देना है, ठीक है। 35 और 36 चेस्ट में दोस्तों हम 4.25 इंच का प्लेट की दूरी का निशान लगाते हैं। इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारी ये आर्म लेंथ का निशान है, इस पे दोस्तों हमारी चेस्ट का निशान लगेगा। नॉर्मल दोस्तों हमारी 35 और 36 चेस्ट है तो 36 चेस्ट के हिसाब से दोस्तों 9 इंच पे चौथा हिस्सा हम निशान लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा और 1 इंच आगे बढ़ाकर आपको निशान लगाना है चेस्ट का निशान लगाने के बाद, ठीक है। यहाँ से दोस्तों जो हमने आगे बढ़ाकर निशान लगाया वहाँ से इस तरीके से आपको निशान सीधा कर देना है, और यहाँ से दोस्तों आपको
टाइट रूज का मार्जिन छोड़ते हुए निशान सीधा कर देना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको डॉट का निशान इस तरीके से फिनिशिंग से सीधा कर देना है। ये हमारे निशान लग गए। अब आर्म लेंथ पर दोस्तों हमारी एक फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है, वो कैसे लगेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। 35 और 36 चेस्ट में दोस्तों आपको फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है 5.5 इंच पे, और 1.25 इंच आगे बढ़ाकर इस तरीके से आपको निशान सीधा कर देना है, ठीक है। निशान लगा देना 1.25 इंच आगे बढ़ाकर, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारे सारे निशान लग गए। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा शोल्डर का निशान है। अब शोल्डर का निशान दोस्तों जो हम लगाएंगे 35 और 36 चेस्ट में दोस्तों वो लगाएंगे 5.5 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से 35 और 36 चेस्ट में दोस्तों हम 5.5 इंच पे लगाएंगे। शोल्डर का निशान दोस्तों हमारे बैक गली के अनुसार लगता है। जैसे हमारे 35 और 36 चेस्ट में दोस्तों हमारे शोल्डर का निशान लगेगा वो हमारा बैक नेक जो है दोस्तों वो 10, 11, 12, 13 इंच है। तो दोस्तों जो शोल्डर का निशान लगता है वो बैक गली के अनुसार लगता है। तो 10, 11, 12, 13 इंच है दोस्तों, तो हम 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा देंगे और 2.75 इंच दोस्तों गली ब्रोड का निशान लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये निशान लग जाएगा। अब जिधर दोस्तों हमारी गले की तरफ दोस्तों आपको क्या करना है, 3 इंच जो हमारी इंची टेप में दोस्तों 3 सूत जो 3 डंडी है दोस्तों इस तरीके से आपको डाउन करते हुए निशान लगा देना है। जो आपकी गले गिनने की शिकायत होती है इस तरीके से दोस्तों आपको गले गिनने की शिकायत जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको गले की तरफ 3 सूत डाउन कर देनी है कंधी, इस तरीके से डाउन करते हुए आपको निशान लगा देना। इस तरीके से दोस्तों हमारी गले ब्रोड की गले गिनने की जो शिकायत होती है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों आपको निशान सीधा कर देना है शोल्डर और फ्रंट क्रॉस से, यहाँ से भी दोस्तों बैक क्रॉस और शोल्डर से निशान सीधा कर देना है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको फ्रंट क्रॉस में आर्म होल की शेप देनी है, उसके बाद दोस्तों आपको बैक क्रॉस में आर्म होल की शेप देनी है फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से हमारे निशान लग जाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मली ये सारे निशान लग गए। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी डॉट है ना, यहाँ पर दोस्तों जो हमने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया इस जगह पर दोस्तों आपको गुलाई देते हुए फिनिशिंग से प्रिंसेस कट का निशान लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रिंसेस कट का निशान लग जाएगा। अब नीचे की दोस्तों आपको कमर की तरफ देखना है, यहाँ से आपको जो निशान लगाया डॉट का वहाँ से आपको 1.5 इंच नापना है, ठीक है। इस तरीके से 1.5 इंच नापना है। अब जहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया उस जगह पे दोस्तों इंची टेप इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर बढ़ाते हुए निशान लगा देंगे। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करते हुए यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको गुलाई देते हुए प्रिंसेस का निशान लगा देंगे, ठीक है। फिनिशिंग से दोस्तों आपको निशान लगाना है प्रिंसेस का, ठीक है। ये प्रिंसेस कट का हमारे निशान लगे हैं, डॉट तक दोस्तों आपको मिला देना है गुलाई देते हुए फिनिशिंग से, ठीक है। अभी गुलाई से क्या करना है दोस्तों, जिधर हमारी प्रिंसेस है इधर दोस्तों जो पल्ला है प्रिंसेस का उधर दोस्तों आपको एक पैर का यानी कि 1/2 इंच तक दोस्तों इस तरीके से घटाते हुए निशान लगा देना है, ठीक है। जो हमारी प्लेट पड़ती है बगल तक उतना मार्जिन लेते हुए दोस्तों आपको निशान लगा देना है ऊपर, और नीचे कमर की तरफ दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। और यहाँ तक जहाँ तक आई डॉट है ना उस जगह तक दोस्तों आपको इस तरीके से सीधा कर देना है। इस तरीके से दोस्तों हम फिनिशिंग से सीधा कर देंगे निशान। हम नॉर्मली दोस्तों जैसे कटिंग करते हैं उसी तरीके से दोस्तों आपको कटिंग कर देना है। ये निशान दोस्तों प्रिंसेस कट के निशान लगाते हैं, कोई गलती ना करें, ध्यान से ही आप निशान लगाएं। अब यहाँ से दोस्तों जो हमने पहले सेंटर पे निशान लगाया था डॉट का उसी पे ही दोस्तों आपको कटिंग करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने निशान लगाया था डॉट का और यहाँ पे दोस्तों जो गुलाई दी थी हमने सबसे पहले उसी पे ही आपको कटिंग करना है। कटिंग करते टाइम भी दोस्तों काफी अच्छे से ध्यान देना है, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप कटिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा कटिंग हो गया। अब 1/2 इंच का जो मार्जिन था दोस्तों उस जगह पे दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे फिनिशिंग से कटिंग करके हटा देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा कटिंग हो जाएगा। अब इस जगह पे दोस्तों जो हमने दूसरे निशान लगाया था उसे भी दोस्तों फिनिशिंग से जो हमने प्रिंसेस कट की शेप दी थी उसी पे दोस्तों आपको कटिंग कर देना है निशान पे ही। यहाँ से भी दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का जो निशान लगाया था 1/2 इंच का उसे भी दोस्तों कटिंग कर देना है। बगल में दोस्तों इस तरीके से हम कपड़ा हटा देते हैं क्योंकि दोस्तों हमारी साइड में बगल में प्लेट भी पड़ती है तो उतना ही मार्जिन हम हटा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको शोल्डर की तरफ से कटिंग करना है, ठीक है। सीधा आपको कटिंग करना है, नीचे डाउन वाले निशान पर कटिंग ना करें। इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। अब इस जगह से क्या करना है दोस्तों, आपके 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल की तरफ से आपको कटिंग करना है, ठीक है। 1 से 1.5 इंच तक आपको एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। अब आर्म होल पे आपको कटिंग कर देनी है। यहाँ से भी दोस्तों आपको जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने छोड़ा था उसी पे ही कटिंग कर देना है। इस तरीके से कटिंग हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से भी दोस्तों जो हमारा जॉइंट बचा है उसे भी फिनिशिंग से आपको कटिंग कर देना है, कटिंग करके हटा देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला ये कटिंग हो जाएगा प्रिंसेस कट ब्लाउज का। ये दोस्तों हमारा कटिंग हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आपको जो हमारा प्रिंसेस कट शेप का जो निशान लगाया है, ठीक है, ये कपड़ा जो है हमारा वो साइड में हटा देंगे। और दोस्तों जो हमारे प्रिंसेस कट में जो शेप का निशान लगाया है उसमें दोस्तों आपको यहाँ से 1 इंच नापना है, ठीक है। 1 इंच नापते हुए आपको निशान लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से 1 इंच नापते हुए निशान लगा देंगे। अब इसके ऊपर दोस्तों हम पल्ला रखेंगे, फ्रंट पल्ला इस तरीके से सेट करते हुए फिनिशिंग से आपको फ्रंट पल्ला सेट करना। जो हमने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया था उसे भी दोस्तों पॉइंट अच्छे से मिलाना है, ठीक है। 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चाहिए कपड़ा, ठीक है। कपड़ा इस तरीके से चढ़ना चाहिए और यहाँ से दोबारा से हम फ्रंट क्रॉस का 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच आगे बढ़ाकर आपको निशान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से फ्रंट क्रॉस का निशान लगाने के बाद 1/2 इंच का आगे बढ़ाकर इस तरीके से निशान लगाएंगे और शोल्डर से दोस्तों आपको इस तरीके से निशान दोबारा से सीधे करने हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारी कटिंग होती है प्रिंसेस कट ब्लाउज की, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोबारा से जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था ना
वो क्या है दोस्तों, हमारी टोटल यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई तो वो एक इंच का मार्जिन हमारा एडजस्ट हो गया और 9 × 9 = 36 यानी कि 9 इंच हमारा तैयार आ गया इस जगह पे, ठीक है। एक इंच हमने जो मार्जिन छोड़ा था वो हमारा कटिंग होकर साइड में प्रिंसेस कट में वो हट गया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा तैयार आ गया है कटिंग होकर। यहाँ पर आर्मोल की शेप दे देंगे फिनिशिंग से इस तरीके से बैक पल्ले में और फ्रंट पल्ले में। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कटिंग करेंगे जो बैक पल्ले में जो पौने एक इंच आगे बढ़ाकर जो निशान लगाते हैं वहाँ पर दोस्तों जो आर्मोल की शेप देते हैं उसी पे दोस्तों आपको कटिंग करना है फिनिशिंग से आर्मोल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारा एक पल्ला रह गया नीचे का, ऊपर का कट गया तो दोबारा से हम कैंची की मदद से काट देंगे। आपका पल्ला इधर उधर ना हटे, एकदम फिनिशिंग से ही आपका कटिंग होना चाहिए। इस तरीके से हमारा कटिंग हो गया फ्रंट पल्ला। अब क्या करना दोस्तों, अब आपको फ्रंट पल्ला ही हमारा कटिंग हो गया, ठीक है, फिनिशिंग से। इसी तरीके से दोस्तों आपको कटिंग करना है। अब आपको बैक पल्ला कटिंग करना सिखाएंगे। नॉर्मल दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, आपकी तरफ क्या है ओपन साइड है, मेरी तरफ बंद साइड है, तो क्या करेंगे मैं अपनी तरफ ओपन साइड बिछा लूंगा और आपकी तरफ बंद साइड, ठीक है। इस तरीके से बिछाने के बाद नीचे हमारी दोस्तों जिधर हमारा ओपन साइड है उधर दोस्तों हमारी किनारी है, तो क्या करेंगे एक सीधा निशान लगाएंगे जिसकी मदद से दोस्तों हम किनारी कटिंग करके हटा देंगे। एक सीधा निशान लगाने के बाद हुक आई की पट्टी के दबाव का निशान लगाएंगे आधे इंच का, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा, ये हुक आई की पट्टी के दबाव का निशान लग गया। अब इसी के ऊपर दोस्तों हमने जो फ्रंट पल्ला कटिंग करा उसे अच्छे से सेट करेंगे निशान के बराबर से ही, ठीक है। इस तरीके से आपको सेट कर देना है, कोई गलती ना करना है, एकदम फिनिशिंग से ही आपको सेट करना है। ये दोस्तों जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कटा हुआ है इसको दोस्तों अच्छे से फिनिशिंग से सेट करना है पल्ले को, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप ऊपर की तरफ से भी रखकर सेट कर सकते हैं या फिर दोस्तों नीचे भी रखकर आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आपके पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों हमारा दोबारा से मिलने चाहिए, ठीक है। आर्मोल की तरफ से दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से मिलकर आने चाहिए, कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। एक जैसा फिनिशिंग से आपको सेट करते हुए क्या करेंगे फ्रंट पल्ला हम कटिंग करेंगे। अच्छे से आप देख लें, कोई गलती ना हो, अच्छे से सेट करने के बाद ही आप बैक पल्ला कटिंग करें। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, आपको इस तरीके से कटिंग करना है फ्रंट पल्ले के बराबर से ही, ठीक है। यहां से एकदम ऊपर से फ्रंट पल्ले के बराबर से कटिंग कर देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, जो हमने नीचे डाउन करते हुए निशान लगाया था ना गली की तरफ, वहां से दोस्तों आपको कटिंग कर देना है इस तरीके से फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको फ्रंट पल्ले के बराबर से ही, ठीक है, फ्रंट पल्ले के बराबर से ही अच्छे से आपको हाथ रखना है। इस तरीके से हमारा पल्ला इधर उधर ना भागे, इस तरीके से बराबर से ही फ्रंट पल्ले के बराबर से ही हम कटिंग कर देंगे बैक पल्ले को, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों हम बराबर से ही कटिंग कर देंगे फिनिशिंग से, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, आपको आर्मोल की कटिंग करनी है। यहाँ पर दोस्तों जो गले ब्रोड का निशान लगाया था उस जगह पे कुटका लगा देंगे फिनिशिंग से, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रंट क्रॉस में जो आर्मोल की शेप दी थी उसे कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम बैक पल्ले को छोड़ देंगे और फ्रंट पल्ले को उठाकर इस तरीके से आपको आर्मोल की कटिंग कर देनी है फ्रंट पल्ले की, ठीक है। जो हमने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया था उस पर आर्मोल की शेप दी थी उसे कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से आप कटिंग करें, आपका बैक पल्ला गलती से कटिंग ना हो जाए। अब यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी फिनिशिंग से आपको कटिंग कर देना है। इस तरीके से क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसेस कट निशान जो पल्ला है लगा हुआ उसे साइड में हटा देंगे और यहाँ से डॉट का निशान हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। 4.25 इंच यहाँ पर हमारे निशान लगा हुआ है, नीचे भी दोस्तों 4.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम निशान इस तरीके से फिनिशिंग से आपको सेट सीधा कर देना है। इस तरीके से फ्रंट पल्ले को साइड में हटा देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको लंबाई का निशान लगाना है, जितनी भी आपकी लंबाई का निशान हो उसमें आधा इंच आपको प्लस करना है और लंबाई का निशान आपको लगा देना है सीधा। यहाँ से दोस्तों हम निशान सीधा कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको तुरपाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा देंगे, उसके बाद दोस्तों आपको कटिंग करना है, ठीक है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखने के दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया फिनिशिंग से, ठीक है। ये दोस्तों हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। यही है दोस्तों हमारा जो मेन पल्ला कटिंग हो गया, बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला, ठीक है। मेन पीस हमारे कटिंग हो गए और बाकी दोस्तों ये हमारे कपड़ा जो बचा हुआ है उसमें दोस्तों हम आपको बाजू कटिंग करना सिखाएंगे। ये दोस्तों ओपन आपकी तरफ है और बन साइड मेरी तरफ है। अब क्या करना दोस्तों, आपको सबसे पहले बाजू की लंबाई देखनी है, जितनी आपकी बाजू की लंबाई, जैसे हमारी 5 इंच है, तो क्या करेंगे जैसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे बन की तरफ से, बन तरफ से आपको डबल में फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इंची टेप लेना है। इंची टेप की मदद से दोस्तों आपको लंबाई का नाप लेना है, जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई हो उस तरीके से नाप लेंगे। जैसे हमारी 5.5 इंच है यानी 5 इंच है तो नॉर्मल हमारी बन जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे, जैसे ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे काट के हम हटा देंगे, ठीक है, इस तरीके से हटा देंगे। अब क्या करना दोस्तों, आपकी इंची टेप की मदद से आपको जितनी भी लंबाई हो उसमें आधा इंच प्रेस करके आपको निशान लगाना है। जैसे इंची टेप ऊपर के बराबर से ही रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी लंबाई हो आधा इंच आपको प्लस करना है। जैसे 5 इंच है, 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ पर ऊपर भी निशान लगा लेंगे और दूसरा निशान दोस्तों जो लगेगा वो आर्मो लेंथ का लगेगा बाजू का, तो वो 3.75 इंच तक आप निशान लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद सारे निशान हम सीधे कर देंगे फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से हम निशान सीधा कर देंगे।
मोहरी की तरफ दोस्तों आप निशान सीधा कर लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, नीचे जो हमारी पट्टी लगेगी वो अलग से पट्टी लगाकर तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन का पट्टी लगा देंगे, ठीक है। नीचे हमारा मार्जिन कम है। अब नॉर्मल लेंथ का जो निशान लगाया था वहाँ पर दोस्तों हमें बाजू बाइसेप्स का निशान लगाना, जैसे 6.5 इंच है तो बाजू बाइसेप्स इस तरीके से आपको निशान लगा देना है 6.5 इंच पे। मोहरी का निशान दोस्तों हमारी 11 इंच है, 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे फिनिशिंग से। ये निशान इस तरीके से आपको सीधा करना है, मार्जिन छोड़ते हो आपको निशान सीधा करना है। यहाँ से दोस्तों आर्मोल की शेप दे देंगे फिनिशिंग से, और इसी आर्मोल की शेप पे ही दोस्तों आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। एकदम फिनिशिंग से आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कटिंग कर देना है। इस जगह पर दोस्तों आपको ऊपर कुटका लगा देना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुटका लगा लेना है। अब नीचे की तरफ दोस्तों हमारी बाजू बंद है तो इसे भी दोस्तों ओपन करते हुए आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। अब बाजू को करेंगे ओपन, इस तरीके से ओपन कर लेंगे और निशान लगा उसे भी इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से कटिंग करने से क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बाजू में जोड़ लगता है वो नहीं लगेगा, ठीक है, इस तरीके से कटिंग करने में। यहाँ पर दोस्तों हम बाजू में गहराई की कटिंग करेंगे, फ्रंट की गहराई की। यहाँ पर दोस्तों आपको कम रखना है, बीच में दोस्तों हमें रखना है 0.25 इंच का मार्जिन। इस तरीके से दोस्तों हम बाजू की निशान लगाते हुए फ्रंट की गहराई की बाजू में और आपको कटिंग कर देना है फिनिशिंग से। दोस्तों इस तरीके से हम कटिंग करने के बाद हमारी बाजू कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये मेन पल्ला कटिंग हो गया है, ठीक है। बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला हमारे मेन कटिंग हो गए हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों एक कपड़ा जो हमारा एक ये तो मेन पल्ला है जो हमारा अस्तर में अटैच होगा, ठीक है। ये सारे हमारे मेन है जो अस्तर में, यानी कि जो मेन कपड़ा होता है उसमें अटैच होंगे। एक दोस्तों हमारा पल्ला कटता है फ्रंट पल्ला ही, जिसमें हमारे पैड अटैच होते हैं। तो दोस्तों हमारा इसमें अस्तर कम है थोड़ा सा, तो अलग अस्तर लेकर हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग होती है वो 1.5 मीटर अस्तर में होती है। ये सारा हमने आपको कटिंग करके दिखा दिया। अब दूसरा कपड़ा लेंगे तो आपको कटिंग करके दिखाएंगे कि जो हमारे पैड अटैच होते हैं उसकी कटिंग किस तरीके से होती है कपड़े की अस्तर की, ठीक है। ये हमारा मैन हो गया, जो मैन जो हमारा कपड़ा होता है उसमें अटैच होता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमने दूसरा कपड़ा ले लिया है फिनिशिंग से, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ओपन साइड मैंने आपकी तरफ बिछा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। ओपन तरफ आपकी तरफ बिछ जाएगा, बंद तरफ मेरी तरफ बिछ जाएगा, इस तरीके से दोस्तों आपको सेट कर लेना है फिनिशिंग से। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो मैन पल्ला कटिंग कर रखा है फ्रंट पल्ला, उसको इस तरीके से लेना है और बंद तरफ से दोस्तों इस तरीके से आपको सेट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सेट कर देना है फिनिशिंग से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी के बराबर से ही आपको कटिंग कर देना है। ये दोस्तों मैं अलग अस्तर से आपको कटिंग करना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करें तो आप 1.5 मीटर अस्तर लेके आएँ, क्योंकि काफ़ी आसान तरीके से 1.5 मीटर में अस्तर में कटिंग हो जाएगा। हमारा अस्तर कम पड़ गया तो इसलिए दोस्तों दूसरे अस्तर में हम आपको कटिंग करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर डॉट का निशान है, उस जगह पर क्या करना है दोस्तों, आपको कुटका लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। और गले ब्रोड का जो निशान है वहाँ पर भी दोस्तों आपको कुटका लगा देना है फिनिशिंग से। ये हमारे निशान लग जाएंगे। अब ये पल्ला दोस्तों हमारे जो बचा है वो प्रिंसेस निशान जो कट पल्ला कटा है प्रिंसेस कट का, उसे इस तरीके से आपको सेट करना है फिनिशिंग से, और आपको इसी के बराबर से ही कपड़ा कटिंग कर देना है। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी हो तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको फिनिशिंग से कटिंग कर देना है प्रिंसेस कट पीस, ठीक है, इस तरीके से हमारा कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपको जो हमारे डॉट का निशान लगा हुआ है उस जगह पे दोस्तों आपको क्या करना है, कुटका लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो पैड अटैच होते हैं तो काफ़ी दिक्कत नहीं आती है कुटका लगाने से। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको छोटी सी टिप्स बताने वाले हैं जो अक्सर लोग गलती करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते टाइम। अब वो क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये नॉर्मली कटिंग हो गया है दोनों पल्ले, ठीक है, एक में हमारे दोस्तों मैन पल्ला जो है वो कपड़े में अटैच होगा और दूसरा पल्ला दोस्तों हमारे पैड अटैच होंगे उस पल्ले में, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं क्या गलती करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब हमारी डॉट के निशान जहाँ हमारा लगता है ना, जहाँ पर हमारा डॉट का निशान लगता है वहाँ पर हमारी गलती हो जाती है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जब निशान ही गलत लगेंगे फिक्स डॉट के, तो क्या होगा दोस्तों, जो हमारे पैड लगेंगे वो फिक्स नहीं बैठ पाएंगे चेस्ट में। तो दोस्तों जैसे हम जब कटिंग करते हैं डॉट की, तो दोस्तों जैसे हमारी 9.5 इंच डॉट थी तो हमने 10 इंच पे कटिंग करी, क्योंकि दोस्तों हमारी आधा इंच दबाव में जाएगा कंधे में, तो इसलिए दोस्तों हम आधा इंच प्लस करके ही डॉट में निशान लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि आधा इंच हमारा कंधे में दबाव जाएगा तो हमारी 9.5 इंच तैयार आ जाएगी डॉट, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको कटिंग करना है, कोई भी गलती ना करें आप, फिनिशिंग से ही बॉडी का नाप लें, डॉट का नाप लें, एकदम फिनिशिंग से ही आपको कटिंग करनी है, तभी जाकर आपका एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा, ठीक है। जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनेगा वो परफेक्ट बनेगा जब आप डॉट की निशान एकदम परफेक्ट लगाएंगे। तो अगर आपको बॉडी का नाप लेना सीखना हो तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। ये दोस्तों हमने आपको सिखा दिया प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एकदम बहुत ही आसान तरीके से। अगर दोस्तों आपको सीखना है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई किस तरीके से करें तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी की प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई किस तरीके से करें। इसी नाप से दोस्तों हमने आपको सिखा दिया है कटिंग करना प्रिंसेस कट ब्लाउज की। अगर आपकी 35 और 36 चेस्ट है तो इसी तरीके से दोस्तों आप कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।